रायपुर से एक बड़ी खबर, रायपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन। बीजेपी की मैराथन बैठक को लेकर नितिन नबीन का बयान, कहा पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर समीक्षा करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम, हर घर तिरंगा, विभाजन विभीषिका और साथ ही स्मृति दिवस के लिए चर्चा भी होगी। तो कार्य समिति की बैठक में संगठन की समीक्षा होगी। सरकार की गतिविधियों में संगठन का उपयोग, सशक्त संगठन को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की संगठन तैयारी कर रहा है, तो हमारे कार्यकर्ताओं की भूमिका तय होने वाली है। माँ के नाम, हर घर तिरंगा, विभाजन विभीषिका दिवस, ऐसे कई कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे, कैसे उस कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम हो। साथ ही साथ संगठन के और जो हमारे पिछले दिनों में कार्य समिति हुई, बाकी चीज़ें हुई, सबकी समीक्षा होगी। और संगठन के और सशक्त रूप से कैसे चले, सरकार की जो गतिविधि है उसमें संगठन का क्या उपयोग और हो सकता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा होगी। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी स्टेट ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मृगेंद्र जी, नितिन नबीन रायपुर पहुंच चुके हैं, कई मैराथन बैठक में हिस्सा लेंगे, क्या कुछ बातचीत होगी, क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आएगी? देखिए, नितिन नवीन की बैठक का सबसे प्रमुख जो एजेंडा है वो है आने वाले समय में जो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर है। दिसंबर में चुनाव होने, इससे पहले तमाम तैयारियां रहती हैं। दूसरा एजेंडा जो है रायपुर दक्षिण विधानसभा में है, वहां बताया जा रहा है कि एक सर्वे रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बातचीत हो रही है कि किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है, कौन कौन जो है प्रबल दावेदार में है। तो ये दो प्रमुख एजेंडा, इसके साथ ही नितिन नवीन ने जो कहा कि संगठन के कार्यक्रम में, क्योंकि 15 अगस्त से पहले हर साल बीजेपी एक लंबा अभियान चलाती है, 7 दिन 8 दिन का एक प्रोग्राम रहता है इनका, तो उन चीज़ों की समीक्षा करेंगे और इसे कैसे पूरा करना है उस पर बात करेंगे। जी ठीक है मृगेंद्र जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।